श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस पंचम सुभान। शांत सनातन अप्रमेय, यानी प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपने निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुनाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सगुण उपासक परहित निरत नीति दहने ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अति से प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानर जूता सकल कहाई जय कृपा बरूता। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कई बानी नहीं अघात श्रवनामत जानी। पद अम्बुज दही बार ही बारा हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरणों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है हृदय में समाता नहीं है। सुनो देव सच राजर स्वामी अनंत पाल और अंतर जामी। मोर कछु प्रथम बात न रही प्रभु पद प्रीति सरित सोमी। विभीषण जी ने कहा हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके दया के भीतर की जानने वाले, सुनिए मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वो प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भक्ति पावनी देहु सदा शिव मन भावनी। एव मस्तु कही प्रभु रन धीरा मंगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एव मस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते ही सारा तुमन दृष्टि नभ भरिए अपारा। और कहा हे सखा,
यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वो निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण रातियं दीन हुराज अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन दिए दस मास, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को दसों सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सख्त चाहते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, तेनर पशु बिन पूछ बिजाना, निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि तुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव बानर कुल के मन को बहुत ही भाया। उन्हीं सर्वज्ञ सर्व उर्वाची, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल दालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्व रूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी, नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कपी लंका जलधि गंभीरा, संकुल मकर जाती, अति अधाध दुस्तर सब भाती। हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहलंकेत सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु सौ सक तब सायक, यदपि तदपि नीति अति लाई, बिनय करियो सागर सन जाई। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, अर्थात सोख सकता है, तदापि नीति ऐसी कही गई है कि उचित यही होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलति कही उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरी सकल भालु कपिराज। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब ऋषि और बानरों की सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। बोलिए क्या कति रामचंद्र की, बोल सुत हनुमान की।